हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आई क्यू अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान शिक्षा जगत समाचार लेकर के आ गया हूँ। 1 सितंबर 2019 रविवार की बड़ी खबरें आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरी 50 बड़ी खबरें आ रही है जो कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक नवज्योति, इन सभी में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है आपकी शिक्षा से संबंधित, यानी कि RPSC, RMSSB, NTPC, नर्स ग्रेड दित्य, JEE Mains, इसरो नई भर्ती आ गई है और अन्य रिजल्ट के बारे में आपको जो भी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नर्स ग्रेड दित्य वगैरह की, लेवल वन की, सभी की यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो देखने से पहले आप सभी को श्री गणेश जी की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है, पहले से ही उनके जन्मदिन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शिक्षा जगत समाचार को। तो आज का शिक्षा जगत समाचार है कि अजमेर की स्कूलों के लिए 8 करोड़ का कंपोजिट ग्रांट। तो यहाँ पर यह बड़ी खबर है, शैक्षिक, सशैक्षिक व भौतिक जरूरतों पर किया जाएगा खर्च। बड़ी खबर, छात्र संख्या के आधार पर अनुदान। चलिए अगली खबर है, RRBJEE का 1 सितंबर होने वाला फर्जी पेपर और आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल। तो RRBJEE का 1 सितंबर को होने वाला फर्जी पेपर और आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल, ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर जयपुर से बड़ी खबर। चलिए अगली खबर है, रिटायर्ड शिक्षकों को नियुक्ति से CS स्कीम का लाभ दे, जयपुर से खबर। अगली खबर है, उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को भास्कर देगा एक्सीलेंस अवार्ड। कौन सा अवार्ड? एक्सीलेंस अवार्ड देगा, मोदी एजुकेशन ग्रुप भी जुड़ा है आयोजन 6 को। सिटी रिपोर्टर कोटा से बड़ी खबर। अगली खबर है, लेवल वन पद भर्ती परीक्षा रिजेक्ट आवेदनों की शिकायतों पर अब रेलवे 6 को देगा जवाब। अजमेर से बड़ी खबर, 6 सितंबर को देगा जवाब। चौथे दिन 84% उपस्थित जूनियर इंजीनियर पदों के द्वितीय चरण की परीक्षा आज होगी पूरी। अजमेर से बड़ी खबर। चलिए अगली खबर है, कसमे वादे बस उनको दिखा रहे हैं कल्पना कलाम बनने का सपना, जिन बच्चों ने साइंस लैब तक नहीं देखी, बक्सा खोलकर बोली टीचर ये देखिए इसमें है हमारी साइंस लैब। चलिए अगली खबर, पेंशन विभाग ने ऐसे 500 मामले विभाग को रिफिक्सेशन के लिए लौटा दिए, पिछले कार्यकाल में जिन कर्मचारियों को पदोन्नति दी अब डिमोट कर रही है सरकार। सौरभ भट्ट जयपुर से बड़ी खबर, वसुंधरा सरकार ने इस वजह से लगाई रोक। चलिए अगली खबर है, भास्कर पड़ताल, बदहाल सरकारी शिक्षा के तस्वीरें देखे, 3 कमरों में चल रही है 10 कक्षाएं, बड़ी मुश्किल से बैठते हैं 300 स्टूडेंट, चिंताजनक बात। बड़ी खबर। अगली खबर है, आयुक्तालय ने जारी किया कॉलेजों के लिए सितंबर का सिलेबस। सिटी रिपोर्टर कोटा से बड़ी खबर। अगली खबर है, 64वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारियां। वरोलीज में खेलकूद प्रतियोगिता 4 से ऊर्जा मंत्री करेंगे उद्घाटन, लोक गीतों के साथ होगा स्वागत। बड़ी खबर, भास्कर संवाददाता। चलिए अगली खबर है, जेई मेन के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से हैं। तो जेई मेन्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। चलिए अगली खबर है, शिक्षा में सुधार के सुझावों को लागू नहीं कर सकती है सरकार, वैकल्पिक शिक्षा के लिए विद्या भारती सबसे बड़ा केंद्र। सिटी रिपोर्टर कोटा से बड़ी खबर। चलिए अगली खबर है, 30 जून को रिटायर्ड हुए शिक्षक कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दे, जयपुर से खबर है। अगली खबर है, सेवानिवृत्ति पर हेलीकॉप्टर से पत्नी, संघ घर गए वरिष्ठ अध्यापक रमेश चंद्र। तो यहाँ पर बड़ी खबर है, सेवानिवृत्ति पर हेलीकॉप्टर से पत्नी, संघ घर गए वरिष्ठ अध्यापक रमेश चंद्र, न्यूज सर्विस न्यूज ज्योति अलवर से खबर। अगली खबर है, सुवी में कल अवकाश रहेगा, उदयपुर से बड़ी खबर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सोमवार को अवकाश रहेगा। चलिए अगली खबर है, ई मित्रों पर आज से नई दरें। तो दोस्तों, आज से ई मित्रों पर नए दरें लागू हो जाएगी, जैसा कि आप सभी को पता है पैसे बढ़ा दिए गए यहाँ पर। पहले ऑनलाइन राशन आवेदन के 50 रुपये, मूल जाति के प्रमाण पत्र के 50 रुपये, बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के 75 रुपये, पालनहार योजना के 75 रुपये, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन के 50 रुपये, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र के लिए 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है यहाँ पर। मिड डे मील में खिचड़ी, आटे में कीड़े, एजिडे रिदिशमा शर्मा ने दी 2 स्कूलों PhD, CHC और कॉलेज का लिया जायजा, लीगल रिपोर्टर जयपुर से खबर। अगली खबर है, आज से शुरू होगी 64वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता, भास्कर संवाददाता।
भरतपुर से बड़ी खबर। चलिए अगली खबर है, देर रात तक भरी ITR, फिर भी 10,000 वंचित, जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक भर सकेंगे ITR, भरतपुर से बड़ी खबर। चलिए अगली खबर है, बांसवाड़ा नगर परिषद का मामला, अपने ही रिश्तेदारों का चयन, 281 पदों पर भर्ती जिसमें सफाई कर्मचारियों की थी, धांधली हो गई है, अब SEB जांच, अब इसमें होगी SEB जांच। यहाँ पर बांसवाड़ा में नगर परिषद का मामला बहुत ही बड़ा सामने आया कि 281 पदों पर अपने ही रिश्तेदारों को यहाँ पर ले लिया गया, तो इससे यहाँ पर विद्यार्थियों में बहुत ही बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। चलिए अगली खबर है, CBSE प्राइवेट विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क भी बढ़ा, परीक्षा शुल्क 600 बढ़ाकर 1500 किया, विदेशियों को देना होगा अब 10,000, आरिफ कुरैशी अजमेर से बड़ी खबर। चलिए अगली खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे, मेरे से बार बार में कमेंट करके बोल रहे थे कि नर्स ग्रेड भर्ती द्वितीय के बारे में भी सर कुछ बताओ, तो आज उनके लिए यहाँ पर एक खबर आई हुई है, नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती में बोनस अंक देने के कोर्ट ने दिए आदेश, लीगल रिपोर्टर जोधपुर से बड़ी खबर हाई कोर्ट से। चलिए अगली खबर है, VV के रिटायर्ड शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से CS स्कीम का लाभ दे, हाई कोर्ट से बड़ी खबर। अगली खबर है, 4,70,00,000 की लागत से नई बिल्डिंग तैयार, अब केंद्रीय विद्यालय के नए भवन में पढ़ेंगे 5वीं कक्षा तक के बच्चे, भास्कर संवाददाता भरतपुर से खबर। चलिए अगली खबर है, स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता कल से बीकानेर से बड़ी खबर। अगली खबर है, जर्जर स्कूलों भवनों को ठीक कराए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय संयुक्त निदेशक ने निरीक्षण के बाद दिए निर्देश, उदयपुर से बड़ी खबर। नीट 2019 BDS काउंसलिंग का ऑनलाइन मॉपअप शेड्यूल जारी, कोटा से बड़ी खबर। अगली खबर है, राजस्थान में आज से लागू नहीं होंगे ट्रैफिक के नए नियम, परिवहन मंत्री ने कहा पहले करेंगे समीक्षा, ये हैं केंद्र सरकार के नए नियम। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, उन्होंने कहा है कि हम आज से ट्रैफिक के नए नियम लागू नहीं करेंगे, पहले उनकी क्या करेंगे समीक्षा करेंगे। चलिए अगली खबर है, ऐप से करेंगे वोटर वेरिफिकेशन, ऐप से होगा वोटर वेरिफिकेशन। चलिए अगली खबर है, लॉ कॉलेज में 2 माह बाद भी प्रवेश को लेकर असमंजस, संकट में है कोटा में कानून की पढ़ाई, 120 स्टूडेंट को प्रवेश का है इंतजार। नवज्योति से बड़ी खबर, संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 अवकाश स्वीकृत, जयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में तकनीकी पदों पर भर्ती, तो दोस्तों यहां पर एक भर्ती निकल गई है, तो आप इसका जल्दी से फॉर्म भर दें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नए केंद्र के रूप में सम्मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का वर्तमान मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, केंद्र के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वैकेंसी निकली है, अलग अलग फिटर, प्लम्बर, मैकेनिकल, नक्शा वशीय, यहाँ पर अलग अलग निकली है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में दिव्यांगों को मिलेगी व्हीलचेयर, बड़ी खबर जयपुर से। अगली खबर है, पब्लिक का लेंगे सहयोग। अगली खबर है, CBSE विदेशी विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया, 31 अगस्त से बड़ी खबर। प्रदेश में 32 पुलिस निरीक्षक यानी कि SI का तबादला, 15 को कमिश्नरेट में मिली जगह, हिंदुस्तान समाचार से बड़ी खबर। प्रदेश में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आज से होगा शुरू, ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे दस्तावेज, तो प्रदेश में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आज से होगा शुरू। चलिए अगली खबर है, डाक विभाग में पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, भारतीय डाक विभाग कुल ग्रामीण डाक सेवा वैकेंसी 10,066 पदों पर, यहाँ पर देख सकते हो बड़ी वैकेंसी आ गई है 10,066 पदों पर, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, योग्यता यहाँ पर 10वीं पास है, तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, 4 सितंबर इसकी अंतिम तिथि, ऐसे करें आवेदन, ठीक है। चलिए, रेलवे JEE भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन पेपर लीक, वायरल होने से हड़कंप, 29-30 अगस्त को हुई थी, दोनों दिन परीक्षाओं के बाद मोबाइल में पहुंचा, बड़ी खबर। चलिए अगली खबर है, सरकार ने फाइटर की खबर पर लगाई मुहर, तहसीलदार के हुए तबादले, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। 45 बच्चों से भरी स्कूल बस 40 फीट गहरी नदी में गिरी, आधा हिस्सा पानी में डूबा और आधा बार मची चीख पुकार, नौ घायल।
अगली खबर है, सरकार ने पहले ही बजट में 48 सरकारी महाविद्यालयों को खोलने की घोषणा कर ऐतिहासिक कार्य किया है। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ी खबर दी है यहाँ पर, जो कि आज के शिक्षा जगत समाचार यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज का शिक्षा जगत समाचार यदि आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करके चैनल को, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। कोई भी यदि अपडेट आती है, यदि आप राजस्थान पुलिस पटवारी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको शाम को इसकी लाइव क्लास मिलती है 8 बजे से 8:30 बजे तक मैथ की, और 9:30 बजे से 10 बजे तक जीके की राजस्थान की क्लास मिलती है, और दिन में 12-1 बजे के लगभग जनरल साइंस की एक क्लास मिलती है। जो भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डीएनसीबी की भी तैयारी करना चाहता है उनके लिए भी वह क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कोई बड़ी अपडेट के साथ। फिर से आप सभी को गणेश जी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।